नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया है, लेकिन हमने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा है और 2024 में दोबारा नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने भी किसानों के लिए अनाउंसमेंट की है, ज्यादा से ज्यादा किसानों को मदद करने की भावना मोदी सरकार की है और इसीलिए हमको 2024 में कोई चिंता नहीं है। 2024 में मतलब 2019 का रिकॉर्ड ब्रेक करने का काम, 303 सीटें जो बीजेपी को मिली थी इस वक्त और भी ज्यादा सीटें मिली। बावजूद बोल रहे हैं कि हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इसीलिए नवीन पटनायक को एनडीए में लेने के लिए नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया है, लेकिन हमने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार आरजेडी के पास जाकर ही फिर इधर आए थे, आरजेडी के साथ इनका नहीं जम पाया इसीलिए वो छोड़कर इधर आए थे और कुछ दिनों के बाद इनका विवाद शुरू होगा और 2024 में दोबारा नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे, एनडीए के साथ आएंगे और नहीं भी आएगी तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। बिहार की जनता उनके निर्णय के खिलाफ है, उन्होंने जो निर्णय दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी 45 सीट होने के बावजूद भी और बीजेपी के 77 सीट होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो उन्होंने ऐसा धोखा देना ठीक नहीं था, लेकिन जो बीजेपी को धोखा देते है तो फिर बाद में वापस आते हैं, उसका फोका करने का काम बीजेपी करती है, इसलिए मुझे लगता है कि ठीक बात है, वो चले गए अभी दोनों पार्टी के साथ जाना उनका अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन बीजेपी और भी ज्यादा बिहार में पावरफुल हो गई है और बीजेपी अच्छी सीटें चुनकर आएगी लाएगी और केंद्र में हमें कम से कम 350 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती है।